और हमारा ऑर्डर भी आ गया अंदर जाने का। और सबसे बड़ी बात यहाँ पानी का, ये पानी हम लोग को बहुत हेल्प करता है। और ये भाई साहब का पानी है जो ये लेके आते हैं हम ड्राइवर लोग के लिए। देखिए पूरा गाड़ी लगा हुआ लाइन में। दोस्तों ये आ गया अब इंडिया का मेन बॉर्डर। अब ये गेट के उस पार में नेपाल है और इधर इंडिया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए लोगों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं नेपाल बॉर्डर में और काफ़ी लंबा जाम भी है। तो सिस्टम है, कस्टम डिपार्टमेंट वाले का कागज़ आता है, कंपनी वाला भेजता है, तभी गाड़ी जाता है। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा अभी दोस्तों। और एक बात है कि हमारा आज 8 लाख पूरा हो चुका है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई भी कि हमारा 8 लाख का फैमिली आज कंप्लीट हो गया है। ऐसे करके मतलब हमारा एक पड़ाव और पार हो गया, 8वां पड़ाव। तो दोस्तों अभी इंतजार है 1 मिलियन का। आप लोग का दुआ रहा तो जल्दी से जल्द हो जाएगा 1 मिलियन। देखिए दोस्तों, रात हम लोग तो रात में आ गए नेपाल बॉर्डर, यहीं पर तो हम लोग खड़ा है। अब कब गाड़ी घुसेगा ये तो पता नहीं है। वो अगला पार्टी जब पेपर भेजेगा वो अगला पार्टी को, तब यहाँ से गाड़ी अंदर जाएगा। नेपाल बॉर्डर है ना, बड़ा सा छोटा मोटा बॉर्डर नहीं है जो मैकेनिकल कटा के चला जाइएगा, तो ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पेपर ऊपर देखता है फिर एंट्री होता है हम लोग का। यहीं पे हम लोग आज खाना पीना बना रहे, कब घुसेगा गाड़ी कोई पता नहीं है। तो अपना खाना पीना बना रहे, देखिए वो सब गाड़ी लगा हुआ 5-5 दिन से 6-6 दिन से खड़ा है, पेपर नहीं आया है। पार्टी अगला पार्टी पेपर नहीं भेजा है। हम भी देख रहे टाइम ज़्यादा नहीं है, 10 बज रहा है, तो हम बोले टाइम का खाना बना लेते हैं। अपना खाना पीना बना के रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो ये आज दाल भात चोखा बनेगा, कभी नहीं होगा धोखा। दोस्तों अभी दोपहर का 1 बज गया है और हम लोग का खाना बन चुका है। रोहित ही खाना बनाया है, दाल भात चोखा। ऐसे कोई सब्जी उब्जी भी लिए नहीं थे, लेकिन सब्जी यहाँ मिल जाएगा। ऐसे आधा किलोमीटर जाना है, बोल तो रहा है कि यहाँ पर सब कुछ मिलता है। थोड़ा पानी उनी का जो है वो भी मिल ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन उतना नहीं। और दोस्तों यहाँ अभी एक समस्या है कि हम लोग यहाँ पर पेड़ उड़ है नहीं, बहुत ज़्यादा धूप है। और शाम में अच्छा लगेगा, शाम में ये चीज़ मानते हैं कि अच्छा लगेगा, पूरा सब तरफ हरियाली है, लेकिन अभी थोड़ा दिक्कत होता है दोपहर में हम लोग को। और यहाँ पर गाड़ी देख रहे हैं ना कि कोई 8 दिन से खड़ा है, कोई 10 दिन से खड़ा है, मतलब विदेश वाली बात हो जाता है ना, नेपाल वाला। तो क्या सिस्टम है, लोग कस्टम विभाग का कोई सिस्टम है कि उधर से पहले कोई कागज़ आता है टैक्स भर भुर के, उसके बाद इधर से फिर माल भेजता है, तो ये सब का कोई लफड़ा रहता है, तो उतना हम लोग को भी नहीं पता। लेकिन पार्टी जब बात करते तो बोलता है कि यार कस्टम वाला का ये सब है दिक्कत है, वो कागज़ भेजेगा तो यहाँ से जाएगा, मतलब टैक्स उस पर पेड करके उसके बाद ही जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग खाना खाते हैं, आज सिंपल खाना दाल भात चोखा। दोस्तों अभी खाना तो हम लोग खा लिए हैं और पापा तो सो गए, थोड़ा आराम ही कर सकते हैं। यहाँ गाड़ी खड़ा है और कुछ कर भी नहीं सकते। अभी देख सकते हैं कितना गाड़ी यहाँ खड़ा हुआ है, देखिए पूरा लाइन लगा हुआ है। इधर भी, इधर से पुल के उस पार से फिर एक और मतलब बॉर्डर आएगा, फिर उसके बाद नेपाल आता है। तो अभी हम लोग थोड़ा 2-3 किलोमीटर पीछे ही है और अभी हम लोग सोच रहे हैं यहाँ नीचे सोने का। इतना ज़्यादा गर्मी है कि ऊपर सो नहीं पा रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ गाना सुन रहे हैं, तो अभी हम लोग यहीं पे सो रहे हैं। देखिए दोस्तों हम लोग का खाना पीना हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं यहीं सोएंगे गाड़ी के नीचे में। बहुत अच्छा हवा लग रहा है गाड़ी के अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, चदरा का चीज़ है ना गर्म हो जाता है, तो यही चलते नीचे बिठाए चटाए यही सोए हुए तक। पहले खाना वाना बना के उसके बाद खाना पीना खा के यही फिर सोएंगे। दोस्तों अभी शाम के 4 बज गया है और हमारा ऑर्डर भी आ गया अंदर जाने का। और सबसे बड़ी बात यहाँ पानी का, ये पानी हम लोग को बहुत हेल्प करता है। और ये भाई साहब का पानी है जो ये लेके आते हैं हम ड्राइवर लोग के लिए। देखिए पूरा गाड़ी लगा हुआ लाइन में, आज सबको अगर ये पानी लेके नहीं आएंगे, फिल्टर वाला पानी है, पानी तो है यहाँ बोरिंग का, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा पीने में। आपका फिल्टर पानी बहुत अच्छा लग रहा है और कोई खास रेट भी नहीं है, जो वाजिब रेट है वही रेट से मिल रहा है और बहुत बढ़िया। ड्राइवर साहब लोग भी खाना वाना बना रहे, अपना खाना पीना खा रहे। कोई साहब पानी मिल रहा है ना, चलिए पानी सब मिल जा रहा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पानी पहुँचाने का यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग भी निकलने वाले हैं अंदर, नेपाल जा रहे हैं, अब हमारा ऑर्डर आ गया है। दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से जहाँ खड़े थे हम लोग बाहर में। अभी हम लोग का ऑर्डर हुआ है कि आ जाइए अंदर का पार्किंग में। वहाँ पर क्या है ना कि पैसा लगता है पार्किंग का, अब काफ़ी ज़्यादा लगता है, 24 घंटा का 500-600 इस हिसाब से लगता है। तो देख सकते हैं गाड़ी अपना कंपनी का, वो भी आज 4 दिन या 5 दिन उसको हो गया। तो हम तो आज ही आए थे, तो हमको तो ऑर्डर मिल गया, तो हमारे साथ साथ इसको भी मिल गया। एक ही जगह का माल है, पार्टी भी एक ही है,
ट्रांसपोर्ट भी एक ही है, सब एक ही है। तो इसीलिए करके हम लोग ये बहुत अच्छा हुआ वहाँ से निकल गए, क्योंकि देख रहे सकते वहाँ पर खुला जगह है, बहुत दिक्कत है, पानी जो है खरीद के खाना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, फिल्टर में पानी मिल जा रहा है, वो बहुत अच्छा लगा हमको कि वहाँ तक लाकर पहुँचा दे रहा है, ये चीज़ ठीक लगा। और ये देखिए अभी बाजार गए थे तो सब्जी उब्जी भी कुछ लेके आया है, अब ये सब रखे हैं गाड़ी में, जैसा होगा समय मिलेगा रात में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। तो देखिए अभी हम लोग ब्रिज पे चढ़ रहे हैं, और पुराना ये तो नया रोड है, पुराना रोड नीचे का है तो वो तो बंद कर गया है, नहीं तो पहले हम लोग उसी से, हम जब गए थे तो उसी से गए थे हम। तो सामने देखिएगा इंडिया का झंडा दिखाई देगा, और उस पार में शायद हो सकता दिख जाए आप लोग को नेपाल का भी झंडा दिखाई देगा। दोस्तों ये आ गया अब इंडिया का मेन बॉर्डर, अब ये गेट के उस पार में नेपाल है और इधर इंडिया है। ये देखिए दोस्तों अभी जा रहे हैं बेडियल पे, ये मेरा लाइसेंस है, गाड़ी का कागज है, जाके पर्ची कटाते हैं फिर वहाँ से जाएंगे गाड़ी लेके पार्किंग में लगाएंगे। देखिए दोस्तों हम लोग आज फर्स्ट टाइम जा रहे हैं नेपाल, तो क्या बोले दूसरा कंट्री, हाँ मत सागर का हम लोग कभी तो गए नहीं है, अब पहला लाइफ टाइम में जा रहे हैं दोनों, फर्स्ट टाइम नेपाल तो विदेश, इसे तो विदेशे कहते हैं। मेरा उस्ताद तो जा चुका है, 15 साल हो गया आज, लगभग 15 साल हो चुका है मेरा उस्ताद गया है। पूछे थे अभी हम, पूछे पीछे में खड़ा थे तो वही पूछे आप कितना साल पहले गए थे घूमने के लिए, तो बोलता आज लगभग 15 साल हो गया है। तो आज हम लोग फर्स्ट टाइम हम और सागर जा रहे हैं। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ इंडिया का गेट पास कटवा लिए है, ये देखिए अब इसके बाद आप जा रहे हैं यहाँ से, मतलब ये रहा वो गेट, इसके उस पार आ जाएगा नेपाल। अभी हम लोग इंडिया में हैं, ये रहा इंडिया का झंडा, यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है, अब इसके उधर नेपाल चला जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग अंदर आ गए हैं, अब मतलब इंडिया का एकदम लास्ट कोने पर है, जहाँ चेक पोस्ट बोलते हैं, गाड़ी का कागज, हमारा लाइसेंस और माल का कागज सब चीज का वहाँ पर, भंसार जिसको बोलते हैं, जो टैक्स वगैरह जो है उसका आदमी आया हुआ है यहाँ पे, वो अपना काम कर रहा उधर टैक्स जो भी पेड करके, फिर वो बोल तो रहा है कि 1-1 घंटा में आप लोगों का निपट जाएगा। तो ठीक है दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ अंदर पार्किंग लगा रहे हैं, अब वहाँ पर सारा सुविधा है यहाँ पर, और वहीं पर रुकेंगे अभी, अब जैसे ऑर्डर होगा हम लोग यहाँ से निकल देंगे। उस पार में नेपाल है और इधर हम लोग इंडिया में भी है। दोस्तों अब यहाँ टेंशन खत्म हो गया, यहाँ पर देखिए सारा चीज़ गोडाउन वाउनिंग बना हुआ है, कोई सा माल है अगर खाली करना हुआ उतारना हुआ तो सारा चीज़ यहाँ बना हुआ सुविधा, बहुत सा गाड़ी देखिए खड़ा है। अब भंसार कहते हैं, भंसार जैसे हम लोग बोलते हैं मतलब इनकम टैक्स, टैक्स जो होता है सेल टैक्स, तो उसको यहाँ भंसार बोला जाता है नेपाल में, कि उसका टैक्स वगैरह दे उ करके तब फिर गाड़ी क्लियर होता है। तो ठीक है दोस्तों इंतजार करते हैं अब कब तक वहाँ से ऑर्डर आता है। दोस्तों अभी हम लोग जो इंडिया से बाहर निकल रहे थे नेपाल जाने के लिए, तो अपना गेट अभी बंद हो गया, अब यही हो गया कि अब सोचे थे कि नेपाल में जा करके पार्किंग में रुकेंगे, लेकिन वो तो हो नहीं पाया। अब मतलब इतना लंबा लाइन लगा हुआ है, इधर भी देखिए इधर भी पूरा लंबा लाइन लगा हुआ है, तो जाते जाते समय हो गया गेट बंद करने का, तो अब सुबह 7 बजे गेट खुलेगा, 7 से 8 बजे तक, तब हम लोग फिर जाकर नेपाल में जाएंगे, वहाँ पार्किंग में खड़ा रहेंगे, फिर वहाँ अपना जो सिस्टम है भंसार वंसार कटने का तो वो कटेगा, तब फिर हम लोग अंदर जाएंगे जहाँ खाली करना हो। तो देख रहे हैं यहीं पे खाना वाना अपना बन रहा है, खाना ना रात का खाना जो है यही है, आज भिंडी भुजिया बन रहा है रोटी। देखिए दोस्तों आज हम लोग का भिंडी का भुजिया बन रहा है, रात के 8 बजे हैं, बॉर्डर बंद हो गया नेपाल वाला, 8 बजे बंद हो जाते हैं, तो आज का हम लोग का खाना पीना यही बनेगा, तो नेपाल बॉर्डर का पीछे खड़ा है जस्ट, तो कल सुबह घुसेगा गाड़ी। ठीक है दोस्तों अभी खाना बनाते हैं, रोटी और भिंडी का भुजिया बन रहा है, अच्छा खाना ही सब टाइम टेबल का चीज़ है सब, बॉर्डर उर्डर। देखिए दोस्तों आज तो नेपाल जा नहीं पाए, तो कल जाएंगे, कल सुबह सुबह घुस जाएंगे, कल हम लोग का फैक्ट्री भी हम लोग कल चला जाएंगे, का यहाँ तो खड़ा रहना पड़ता है, तो घुस जाने के बाद भी पार्किंग में नेपाल वाला पार्किंग में खड़ा रहना पड़ता, तो वही तो कल सुबह घुसना है। दोस्तों अभी रात के 11 बज चुका और अपना खाना तैयार है, भिंडी भुजिया और अपना ये रोटी जो बना है। तो ठीक है दोस्तों हम लोग अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए, खाना खा के सोएंगे यहीं, अब सुबह उठेंगे तो अपना ये जो काम है यहाँ का निपट के फिर नेपाल का जो पार्किंग है वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ पर भंसार वगैरह कट के तो फिर कल ही हम लोग निकल जाएंगे खाली करने के लिए। तो कितना घंटा का यहाँ, तो आप लोग जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि नेपाल में हम लोग का कोई परमिट नहीं बनता है, लेकिन घंटा के हिसाब से परमिट बनता है, तो पार्टी का ऊपर रहता है कि हम कितना घंटा कटवाएं जो हम गाड़ी को खाली करके भेज सकते हैं, और उसी हिसाब से वो उतना घंटा कटवाएगा कि गाड़ी को छोड़ के हम जल्दी से खाली करा कर भेजना है। तो ठीक है दोस्तों खाना खाते हैं अभी और सोते हैं, फिर सुबह उठना है अपना।
दोस्तों अभी हमारा खाना तो हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। रात भी काफी ज्यादा हो गया, अब कल सुबह ही नेपाल जा पाएंगे। तो नेपाल जाने से पहले अभी हम लोग को नेपाल का पैसा मिल गया है जो पापा लेके आए हैं। अभी हम लोग जो बॉर्डर पे हैं तो यहाँ पर जितना भी दुकान है सब जगह नेपाली पैसा जो वो आ जाता है, मतलब वो सिस्टम है। जैसे हम लोग का 100 रुपया है तो यहाँ पर वो 160 रुपया है, मतलब हमारा 100 रुपया और नेपाली पैसा 160 रुपया, इतना का फर्क है। तो अभी हम भी गए दुकान वकान में तो ये हमको पैसा मिला। दोस्तों ये देखिए इस नोट में क्या है, ये 5 का नोट है। तो इसमें देखिए तस्वीर बना हुआ है, ये जानवर का, ये कोई बर्फीला टाइप का भेड़ा जो होता वो है। और उसके बाद ये आ गया 20 का नोट, 20 का नोट में बना हुआ हिरन, 2 हिरन। इसके बाद आ जाता है ये 100 का नोट, 100 का नोट में ये देखिए गेंडा। तो हर नोट पे अलग अलग मतलब जानवर का तस्वीर बना हुआ है। दोस्तों पैसा तो रख लिया अभी हम, अब चले सोने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर मच्छर मतलब लग रहा है, लग रहा है नहीं तुम? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। रायपुर का हाल है यहाँ। आइए देखिए, मेरे पीछे नेपाल है, वो लाइट है उसके पीछे नेपाल है। और हम लोग यहाँ खड़ा भी गेट से निकलेंगे और दूसरा गेट नेपाल का ही घुसना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों कल का ब्लॉग जो है आपको नेपाल का देखने का मिलेगा। अभी तो हम लोग यहीं पर है, इंडिया में ही है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।